Hello students, how are you? Okay, I hope you all fine. I am also fine. Okay, today we are discussing about new topic, changing for a public sector, changing role for a public sector. Public sector ने पब्लिक सेक्टर के द्वारा कुछ चेंजेस आए हैं जो कि हम आज रीड करेंगे, आज देखते हैं, डिस्कस करते हैं. जैसे कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने काम नहीं किया वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. जैसे पब्लिक सेक्टर ने क्या क्या काम किया, वहाँ पे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने पैसा इन्वेस्ट करने से मना कर दिया वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया. जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है जिस चीज़ में, जैसे कि रोड है या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या फिर आपके डैम्स हैं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने जाने से मना कर दिया तो वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी हमारी पब्लिक के लिए काफ़ी काम किए हैं. वो कौन कौन से हैं आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे. तो आज देखते हैं, नया टॉपिक है हमारा, चैप्टर नंबर 3 का ही टॉपिक है, रिमेनिंग चैप्टर है जो हमारा. तो उसके बारे में कहा गया है, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर ने के आने से क्या क्या चीज़ें हमारी चेंज हुई और क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट हुई, किस किस चीज़ें पैसा लगाया गया और कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हुई, वो देखते हैं. पहले क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज ए नीड फॉर रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड रीजनल इम्बैलेंसेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक को ट्रैक पे लाने के लिए और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ें हमें पब्लिक सेक्टर ने हमारी मदद की हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा लगता था, रिस्क होता था उसमें, तो उसमें गवर्नमेंट ने हमारी मदद की है. गवर्नमेंट ने क्या कहा, जब हम आज़ादी के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी बिल्कुल टूट चुकी थी, उस इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए, इकोनॉमी में पैसा लगाने के लिए गवर्नमेंट ने हमारी मदद की. गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी और रीजनल इम्बैलेंसेस, यानी कि जहाँ पे शिक्षा के बारे में और जहाँ पे रोज़गार के बारे में और जो इकोनॉमी में इम्बैलेंसेस देखने को मिलते थे, कहीं पे डेवलप हो रखा था एरिया, कहीं डेवलप एरिया बिल्कुल ही पुअर था, अनडेवलप्ड था, उन सब चीज़ों पर पैसा लगाया किसने, गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने. फिर उसने कहा, गवर्नमेंट टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी. गवर्नमेंट ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की है देश की. तो गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है, जो वो काम क्या क्या किए हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो काम किए हैं वो हमारे पॉइंट हमारे सामने है. पहला पॉइंट उसने क्या कहा कि जहाँ पे, पहली बात तो उसने कहा जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने काम नहीं किया वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ने काम किया. क्यों, क्योंकि द प्राइवेट सेक्टर वॉज अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट एंड हैड लॉन्ग पीरियड्स एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड. जहाँ पे काफ़ी पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी जिन प्रोजेक्ट्स में, उसमें प्राइवेट सेक्टर ने उसमें अपना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट किया. जैसे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, रीजनल इम्बेलेंसेज है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारी काफ़ी मदद की. गवर्नमेंट के आने से काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले, वो चीज़ें डेवलप हुई. वो कौन कौन सी हुई, नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस, जैसे कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट ने इसको डेवलप करने के लिए मदद किया. जैसे फॉर एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज़ एंड फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी. वो बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने इंक्लूड की. क्या क्या इंक्लूड की, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. ये सारी चीज़ें बैंक्स हैं और आपका कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, इन सब में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
इन सब में किसने मदद की हमारी? गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने, इन थी पब्लिक सेक्टर ने इनमें हमारी काफ़ी मदद की, जैसे कि हमारे रोड्स हैं, डैम्स हैं, या फिर हमारे बैंक्स हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर से और कोई भी फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इन सारों में हमें किसने मदद की? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किसने? पब्लिक सेक्टर ने हमारी मदद की। नंबर टू, रीजनल बैलेंसेस, पहला पॉइंट था। नंबर टू, रीजनल बैलेंसेस, इसमें भी कहीं पे कुछ एरिया डेवलप हो रखा था, कुछ एरिया बिल्कुल डंप था, जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी, उन चीज़ों में बैलेंस भी किसने किया? हमारी पब्लिक सेक्टर ने हमारी मदद की। उसने क्या कहा? बैकवर्ड रीजन्स लैक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इज नॉट कीप टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन सच रीजन्स। यानी कि वहाँ पे इन्होंने किसने, प्राइवेट सेक्टर ने मना कर दिया वहाँ पे जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर ने मना कर दिया। फिर उसके बाद देखा गया कि भाई कुछ एरिया बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया रह गया, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो गवर्नमेंट ने उसमें मदद की रीजनल बैलेंसेस, रीजनली बैलेंस करने के लिए, यानी कि सारे एरिया को, पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ आपके सिटीज ही डेवलप हों या कुछ कुछ आपके विलेजेस ही डेवलप हों। गवर्नमेंट ने कहा कि हम पूरे एरिया को इक्वली डेवलप करेंगे, तो उसने क्या कहा? रीजनल बैलेंसेस। नंबर थर्ड, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स, ये भी गवर्नमेंट ने हमारी मदद की, पब्लिक सेक्टर इसके अंदर आया। वो कौन कौन से पॉइंट हैं एक बार हम देख लेते हैं। उसने क्या कहा? इकोनॉमिक्स एंड स्केल्स, पब्लिक सेक्टर इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे पावर प्लांट्स, जैसे बिजली के प्लांट्स हैं, नेचुरल गैसेज है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इन सारों में इसमें किसने मदद की? पब्लिक सेक्टर ने पैसा लगाया, गवर्नमेंट सेक्टर ने पैसा लगाया इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर इन रीजन्स में, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री है, या फिर आपका पावर इंडस्ट्री है, गैस पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, नेचुरल गैस इंडस्ट्री है, इन सब में प्राइवेट सेक्टर नहीं आया, और ये पब्लिक सेक्टर ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाई और इसको एरिया को डेवलप किया। फिर उसने क्या कहा? चेक ओवर, अगला पॉइंट, चेक ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर। उसने क्या कहा? चेक ओवर चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। उसने क्या कहा? इन प्राइवेट सेक्टर देयर आर वेरी फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज विच इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनमें बहुत कम पैसा लगाया जाता था, किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर ने आके उसमें ज़्यादा पैसा लगाया और उसको डेवलप किया। जैसे कि इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, सच प्राइवेट मोनोपोलीज गिव राइज टू इनइक्वालिटीज इन इनकम विच इज इट इज नॉट ए गुड फॉर सोसाइटी। ये आपके लिए अच्छा नहीं था कि हम कुछ ही एरिया को डेवलप कर लें अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे थे जो कि अपने अपने एरिया को डेवलप कर लेते थे और पैसा ज़्यादा कमा लेते थे, और कुछ एरिया को बिल्कुल छोड़ देते थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आगे आए और उसकी मोनोपोली, यानी कि उनकी जो पूरा मोनोपोली इन द सेंस एक ही जिसका अधिकार हो, वो कुछ प्राइवेट सेक्टर में, कुछ ही प्राइवेट सेक्टर्स का, कुछ ही कंपनियों का ज़्यादा दबदबा रहता था, तो उनको हटाया गया और गवर्नमेंट ने उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई और सभी को डेवलप किया, करना स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या देखने को मिला आपको? एवरी इकोनॉमी एम्स टू बी सेल्फ, हर इकोनॉमी एम्स टू बी सेल्फ, शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। हमारा एम क्या था कि भाई सारी इकोनॉमी, मतलब पूरे इंडिया की इकोनॉमी खुद खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे, खुद ही मतलब आगे बढ़े, पूरा पूरा अपना हम अपना अपने ही इक्विपमेंट लगाएं और अपनी ही डेवलपमेंट करें, अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। तो गवर्नमेंट ने इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट किया। फिर उसने कहा
इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में. फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ई सफिशियंट फॉरन एक्सचेंज रिजर्व. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. पब्लिक सेक्टर स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स लाइक हैवी मशीनरी विच वर इम्पोर्टेड अर्लियर. यानी कि जैसे कि कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगवाई गई मशीनें, और कुछ मशीनों का के डेवलपमेंट, कुछ मशीनों के इंफ्रास्ट्रक्चर किसने क्रिएट किया? पब्लिक सेक्टर ने खुद ही अपनी कंट्री में ही उनको बनाना स्टार्ट किया, ताकि हमारा रेवेन्यू बाहर ना जाए, हमारा प्रॉफिट बाहर ना जाए, और खुद ही उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया. नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवार्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991. यानी कि उसने कहा गवर्नमेंट सेक्टर टुवार्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 से पहले की भी कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की थी, और उसके बाद भी कुछ पॉलिसी 1991 के बाद भी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखी. वो क्या क्या कह सकते हैं हम? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड 4 मेजर रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991. कुछ 1991 के बाद नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की देश के अंदर. वो कौन कौन सी आप देखने को मिल सकती हैं आपको? जैसे कि भाई हम कह सकते हैं क्लोज डाउन, जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट का हिस्सेदारी भी बढ़ाई और प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप किया साथ साथ. किसने? गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने. फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, उन्हें उसने क्या कहा गवर्नमेंट पॉलिसी ने 1991 के बाद? कहा गया कि जो हमारे वर्कर्स थे उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उनके कंडीशंस के बारे में भी सोचा जाए, उनको भी डेवलप किया जाए. ये सारी चीज़ें हमारी 1991 के बाद हमें देखने को मिली. तो कुछ चीज़ें रिजर्व रखी जाती थी, जैसे कि गवर्नमेंट के 1991 से पहले के गवर्नमेंट का ही उसमें राइट रहेगा, लेकिन उन जो गवर्नमेंट की रिजर्व रहती थी, गवर्नमेंट के राइट्स रहते थे जिसमें, उनमें से भी कुछ चीज़ों को हटा के गवर्नमेंट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कुछ काम. वो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर ने गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दिए हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी अब हमारा किसने, पब्लिक सेक्टर ने किसको दिया? प्राइवेट सेक्टर को. ये सारी डेवलपमेंट हुई और ये सारे काम किए, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के ने ये हमारी चीज़ें काफ़ी चेंज की. वो कौन कौन से थे? 6 पॉइंट आज हमने डिस्कस किए. फिर उसने कहा इन ऑर्डर टू अचीव द एग्रीमेंट द गवर्नमेंट टुक फॉलोइंग स्टेप्स. हमने जो टारगेट डिसाइड किए, उन टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट टुक फॉलोइंग स्टेप्स. गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स लिए ताकि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सके, हमारा देश आगे बढ़ सके. वो कौन कौन से पॉइंट थे हमें देखने को मिले? वो कौन कौन से पॉइंट हैं? फर्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. यानी कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को कम किया. रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी गवर्नमेंट की, उसने गवर्नमेंट ने कम कर दिया अपनी हिस्सेदारी को, और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर लिया इसके अंदर. कि आइए, प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया पब्लिक सेक्टर ने, और जो रिडक्शन इंडस्ट्रीज, यानी कि वो इंडस्ट्रियों को हटा दिया गया, कम कर दिया गया, जिसमें पूरे तरीके से गवर्नमेंट का हाथ होता था, और अब उसको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया है. पहला पॉइंट तो ये देखने को मिला हमें. फिर उसके बाद क्या क्या, नंबर टू, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स. शेयर्स में भी क्या क्या, पब्लिक सेक्टर ने हिस्सेदारी को कम किया और प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना स्टार्ट किया. प्राइवेट सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सेलिंग ए पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर. द एम वॉज टू राइज resources and to involve general public and workers in the ownership of these enterprises. यानी कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का हिस्सेदारी बढ़ जाए और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम हो जाए और वर्कर्स की भी डेवलपमेंट हो. इसलिए उसने, गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, उसमें अपना पैसा लगाना कम कर दिया शेयर्स में, और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. फिर उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, सेम पॉलिसी फॉर सिक यूनिट्स एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर. सेम पॉलिसी
फॉर रिस्क यूनिट सिक यूनिट्स, यानी कि जो हमारी यूनिट्स प्रॉफिटेबल नहीं थी, जो यूनिट्स हमारी प्रॉफिटेबल नहीं होती थी और जिन यूनिट्स में हमें देखती थी गवर्नमेंट इसमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा गवर्नमेंट को, उन कंपनियों को गवर्नमेंट ने बंद करना स्टार्ट कर दिया और उनको प्राइवेट सेक्टर को देना स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया और प्राइवेट सेक्टर को उन इंडस्ट्री को उनको सौंप दिया गया। फिर हम देखते हैं नंबर 4, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। अंडर दिस सिस्टम प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स वर गिवन क्लियर टारगेट्स एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू अचीव दैम एंड दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रिजल्ट। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर कर दी उन्होंने, कुछ चीज़ें ईजी कर दी किसने, गवर्नमेंट सेक्टर ने, पर पब्लिक सेक्टर ने बहुत सारी चीज़ें ईजी कर दी जिनको प्राइवेट सेक्टर ईजीली समझ सके, उनको अडोप्ट कर सके, उनको अपना सके। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने स्टेप्स अपनाए हमारी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई उनको अचीव करने के लिए। वो क्या, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी कि बाहर की कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया हमारे कंट्री में और हमारी कंट्री से हमारी लेबर्स को लेके हमसे काम लिया और हमें भी काम दिया, तो उसका बेनिफिट मिला। कुछ बेनिफिट मिले, कुछ नुकसान मिले, वो देखते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं इसके। यानी कि बाहर की कंपनियों के इंडिया में आने के बाद हमें क्या क्या उनको बेनिफिट हुआ, क्या क्या डीमेरिट्स हुए, अब हम डिस्कस करते हैं। उसने क्या कहा, ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनीज, ए कंपनी हूज बिजनेस ऑपरेशंस एक्सटेंड बियॉन्ड द कंट्री इन विच इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। यानी कि उसने क्या कहा, सबसे पहले ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनीज इज अ कंपनी, ये वो कंपनी है, इज अ कंपनी, ये हम उन कंपनियों को कहते हैं हूज बिजनेस ऑपरेशन एक्सटेंड बियॉन्ड द कंट्री। यानी कि अपने कंट्री से बाहर जाके, यानी कि उन्होंने, उनकी तरफ से देखा जाए तो उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर जाके, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारी कंट्री में आके जो काम किए और हमारे और उनको जो लोगों को काम दिया, और बाहर की कंट्री जैसे कि आपका USA है, इंग्लैंड है, इन्होंने हमारी कंट्री में आके काम किया और हमारी कंट्री के लोगों को काम दिया, दैट मीन्स MNCs कंपनी, वो जो अपनी कंपनी से बाहर जाके, अपने देश की बाउंड्री से बाहर जाके काम करती हैं, दैट इज कॉल्ड MNCs कंपनीज। और जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन USA वेयर एज दे ऑपरेट अक्रॉस द वर्ल्ड। MNCs आर ऑल्सो नोन एज सुपर नेचुरल कंपनीज। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारी पेप्सी है, कोका कोला है, ये सारी हमारी बाहर की कंपनी है, USA ही कंपनी है, वो यहाँ के काम करती हैं, लोगों को काम देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड MNCs कंपनीज। फिर उसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। फीचर्स में उसने क्या कहा, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी को अगर कंपनी है तो इसका मतलब उनको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट चाहिए, जो कैपिटल लगाई जाती है, जो बिजनेस में पूंजी लगाई जाती है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसने इसलिए कहा ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, यानी कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 2, फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी कि दूसरे देशों के साथ मिलके काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है पेप्सी और कोका कोला की USA की कंपनी यहाँ के अपना खुद ही, मतलब यहाँ के कुछ अपनी ही चलाने लग जाए, अपनी ही पॉलिसी बनाए, ऐसा नहीं होगा। उसको हमारे देश के साथ मिलके, हमारे देश की पॉलिसी के साथ अपनी पॉलिसियों को मिला के तब वो यहाँ पे काम कर सकती हैं। तो उसने दूसरा पॉइंट क्या कहा, फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी कि दूसरे देशों के साथ मिलके ही काम किया जा सकता है। नंबर 3, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो भी हमारी MNCs कंपनी होती हैं उनकी टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू आवर कंट्री, टेक्नोलॉजी हमारी उनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत इम्प्रूव्ड होती है, हाई टेक रहती है, तो इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस रहती है। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, फॉरेन कोलैबोरेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर उसने कहा प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी कि नए नए प्रोडक्ट की बनाने की शुरुआत करी जाती है किसके द्वारा, MNCs के कंपनियों के द्वारा।
MNCs कंपनी आती हैं हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री में आके नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग करती हैं। तो उसने कहा प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट बना के पब्लिक को प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनी है, अपना तरीका होता है जो प्रोडक्ट को बेचने का, उनका अपना एक तरीका है, लेकिन वो तरीका भी किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ ही मार्केटिंग कर सकती है, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की परमिशन के द्वारा ही। फिर उसने कहा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, यानी कि उनों का जो एक्सपेंशन है, जो तरीका है मार्केटिंग का, उनका बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है। फिर उसने कहा एज एक्टिविटीज ऑफ MNCs एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्रीज, दे हैव टू ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडीज ब्रांचेज इन होस्ट कंट्रीज, इट एक्सपेंड्स देयर मार्केट टेरिटरी एंड एनेबल्स देम टू बिकम इंटरनेशनल ब्रांड्स। यानी कि उनको अपनी जो मार्केटिंग है, अपनी कंपनी की जो उन्होंने MNCs कंपनियां ने मार्केटिंग अपनी बना रखी है, जो तरीका है ऐड करने का, वो अपनी अपने से बाहर जाके, अपनी कंट्री से बाहर जाके दूसरी कंट्रियों में भी मार्केटिंग करती हैं, जैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो जैसे पेप्सी कोक को बेचने के लिए वो इंडिया में ही नहीं आती, वर्ल्ड के सारी कंट्रीज में अपनी पेप्सी कोक इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। नंबर 7 सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, यानी कि इनका जो कंट्रोल रहता है वो अपनी कंट्री से ही रहता है, जैसे कि पेप्सी और कोक का जो कंट्रोल रहेगा USA की कंपनी अपनी USA में बैठ के ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके कुछ बेनिफिट हैं, कुछ आपके डीमेरिट से, मेरिट डीमेरिट दोनों देखते हैं। मेरिट में देखते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को काम मिलता है। नंबर 2 एडवांस टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस रहती है, ये बेनिफिट देखने को मिलता है हमें। फिर उसके बाद इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी कि फॉरेन कैपिटल यानी कि फॉरेन का पैसा हमारी कंपनी में, हमारी कंट्री में आता है और हमारी कंट्री भी डेवलप करना स्टार्ट करती है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, यानी कि जो हमारी कंट्रीज में, हमारी जो हमारी कंट्री के अंदर जो भी हमारी फर्में हैं उनकी भी हमारी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हेल्दी कंपटीशन रहता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि सारे देश की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बूस्टअप करना स्टार्ट कर देती है। ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ डीमेरिट भी देखने को मिलते हैं। डिस्करेज ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट, यानी कि उसने क्या कहा, कुछ चीज़ें हमारी क्या, हमें उसके डीमेरिट्स भी हमने देखने को मिली। उसने क्या कहा, डिस्करेज ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज़, यानी कि नेशनल प्रायोरिटीज़ जो हमारी, जो हमारे देश की प्रायोरिटी हैं उनको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता। फॉरेन कंट्री वाले यानी कि MNCs कंपनी अपना ही हित सोचती हैं, अपना ही फ़ायदा सोचती हैं। नंबर 2 क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, वो इस तरह काम करती हैं कि उनका प्रभुत्व ज़्यादा रहे, उनकी मतलब एक ही, अपना ही होल्ड रहे इस तरीके से, यानी कि मोनोपोली अपनी ही चलाते हैं वो लोग। नंबर 3 यानी कि डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि MNCs एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ होस्ट कंट्री टू मैक्सिमाइज देयर ग्लोबल प्रॉफिट, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बुरे तरीके से यूज़ करती है। और जैसे कि हमारी जितने भी रिवर्स हैं और अपना सारा जो उनका वेस्ट होता है रिवर्स में डाल देती है, हमारी सारी रिवर गंदी हो गई हैं। फिर उसके बाद ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, यानी कि वो क्या करती हैं, नई टेक्नोलॉजी कई बार लॉन्च नहीं कर पाती, वो ये सोचती हैं कि दूसरी कंट्री वाले नई टेक्नोलॉजी को सीख जाएंगे, इसलिए वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही काम करती रहती हैं। उससे एनर्जी भी लगती है ज़्यादा, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हमारी डीमेरिट हमें देखने को मिली। तो ये पॉइंट्स हमने किए थे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।